आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। एमएलए इरफान के खिलाफ 542 पन्नों की चार्जशीट जाली। पदाधिक ब्लॉक प्रमुख के भतीजे का मर्डर हो गया कानपुर से। नोएडा से बता दें पब्लिक डोमेन में पहुंची डॉग पॉलिसी। कानपुर में आधी रात बमबाजी फायरिंग हुई है। पश्चिम बंगाल का सरगना चला रहा यूपी के बिजली मीटर, पूर्वांचल और मध्यांचल तक फैला है इनका नेटवर्क। लैसा से लैब से हासिल करता है चिप। माफिया मुख्तार बी वारंट जारी, मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड लेगी ईडी। बांदा जेल से लाकर प्रयागराज कोर्ट में पेश करने की तैयारी। गाजियाबाद में महिला से तमंचा दिखाकर लूट, घर के बाहर बैठी थी अचानक बाइक से आए बदमाश चेन मोबाइल लूटकर फरार हो गए। कानपुर में हिरासत में युवा व्यवसायी की मौत, परिजनों की पुलिस से झड़प, एसओजी टीम समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मुठभेड़ में गिरफ्तार बच्ची का पता, अस्पताल से फरार एक थाना प्रभारी, एक दरोगा, 2 सिपाही सस्पेंड। मेरठ मेडिकल अस्पताल में नवजात का सौदा, मां ने 82,000 में बेचा 3 दिन का बच्चा। देर रात मेडिकल अस्पताल पहुंची पुलिस, हंगामा। अंबेडकर नगर एसपी ने पुलिसकर्मियों का कार्यक्षेत्र बदला, 3 प्रभारी व 4 दरोगा तबादला। भीटी प्रभारी राजीव को क्राइम ब्रांच भेजा गया। हरदोई में 3,000 बिल बकायेदारों के कनेक्शन कटे, टीम ने 1 करोड़ का वसूला राजस्व, 3 दिन से चल रहा है अभियान। हापुड़ के कोटला में उद्यान में नहीं बनी सड़क, सभासद प्रत्याशी बनवा रहे मार्ग, कहा जनता की सेवा करना ही प्राथमिकता। श्रम कार्ड योजना में बजट नहीं, भटक रहे लाभार्थी। प्रदेश में 8 करोड़ मजदूरों के बनाए गए ई श्रम कार्ड, अब आवेदन करने पर नहीं मिल रहा है लाभ। पार्षदों की नगर निगम से विदाई, 5 साल का कार्यकाल समाप्त, दर्जनों पार्षद विदाई समारोह में नहीं होंगे शामिल। एटा में किसान महापंचायत में उमड़ा जन सैलाब, आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। 2 फरवरी को फिरोजाबाद में होगी महापंचायत। जौनपुर में हिस्ट्री शीटर सभासद के सिर में गोली मारकर हत्या, दोस्तों के साथ दुकान पर चाय पी रहा था 1 दिसंबर को जेल से बाहर आया था मृतक। हमीरपुर में मोबाइल चुराने पर युवक की पिटाई, शक होने पर दुकानदार ने तलाशी ली, फिर कनपट्टी पर जड़े थप्पड़, उठक बैठक भी कराई। ₹20 का झांसा देकर मासूम से बलात्कार की कोशिश, घर के बाहर खेले थी मासूम बच्ची, बेदहवास घर पहुंची, बच्ची ने परिजनों को बताई आप बीती।
औरैया में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा, पदाधिकारी बोली नफरत भूलकर एकता का दिया जाएगा संदेश। अस्सी मुस्लिम परिवारों की हिंदू धर्म में घर वापसी, इमराना से कविता बनी महिला बोली आजम खान ने जबरन कराया था धर्म परिवर्तन। कन्नौज में निकाय चुनाव को लेकर शासन की तैयारी तेज, डीएम ने नामांकन स्थलों का किया निरीक्षण, मतगणना जगह भी चिन्हित किए गए। मथुरा पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, चोरी और लूट की घटनाओं का देते थे अंजाम, बावरिया गैंग का सदस्य अरेस्ट। हरपालपुर कस्बे में नहीं मिला नगर पंचायत का दर्जा, मानक पूरे पर भी नगर पंचायत में निवास करने वाले अब के सपने अधूरे। फरुखाबाद में एचपी के निर्देश के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस, रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों से लेकर मोहल्लों में गश्त करेगी पुलिस। कानपुर चकेरी में पैदा हुआ एक और विकास दुबे, रंगदारी न मिलने पर 10 राउंड की फायरिंग, क्षेत्र में वर्चस्व बनाने के लिए बमबाजी किया। आगरा में सीआईएसएफ आईजी ने किया ताजमहल का निरीक्षण, ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। फिरोजाबाद में आरक्षण को लेकर हुए लामबद, वार्ड नंबर 24 के लोगों ने एससी सीट को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदेश भर में जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी अभियान पर लगा विराम, अभियान पर विराम लगने के बाजारों में आई चमक। अलीगढ़ में जेएनएमसी में मेडिकल पर माफियाओं का कब्जा, राजा भैया का अल्टीमेटम, माफियाओं के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई तो करेंगे अनशन। संसद में फरुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने ग्वालियर टनकपुर एक्सप्रेसवे बनाने की मांग की, बॉर्डर तक पहुंचने में मिलेगी सुलभता। फिरोजाबाद में प्राथमिक विद्यालय के छात्र की पिटाई हुई मौत, परिजनों ने काटा जमकर हंगामा, मृतक कक्षा 2 का था छात्र। पंद्रह दिसंबर को माफिया मुख्तार अंसारी के केस में आएगा फैसला, एमपी एमएलए कोर्ट के गाजीपुर में चल रहा है मामला। हमीरपुर में प्रेम प्रसंग के चलते मध्यप्रदेश में युवती का शव बरामद, सूचना पर परिजनों में मचा कोहराम। हरदोई में स्कूल बाउंड्री की झाड़ियों में पड़े मिले 9 लैपटॉप, 2 दिन पहले कई कंपनियों के लैपटॉप हुए थे चोरी, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में अन्य जानवर बने खेती के लिए समस्या, जानवर परेशान, किसानों को उठाना पड़ रहा है नुकसान। कासगंज में युवक ने अपने ही पिता को मारी गोली, गोली लगने से पिता घायल, घायल अवस्था में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार। कुशीनगर घने कोहरे के कारण आपस में टकराई गाड़ियां, हादसे में कोई हाथाहाथ होने की खबर नहीं। कानपुर में शिक्षक ने रिटायर्ड शिक्षक को लाश से पीटा, मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस पलटने से बड़ा हादसा, 3 की मौत।
कानपुर जेल से ही पार्षद प्रत्याशियों के नाम तय करेंगे विधायक इरफान सोलंकी, जेल जाकर सूची लेंगे समाजवादी पार्टी के पर्यवेक्षक। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर टाली से गिरकर युवक की मौत, घटना से परिजनों में मचा कोहराम। लखनऊ पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा, तालाब में कूदकर पुलिसकर्मियों ने बचाई गाय के बछड़े की जान। प्रतापगढ़ में जीएसटी छापेमारी का किया व्यापार मंडल ने विरोध, सड़कों पर उतरे व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। औरैया में स्कूटी से जा रही महिला के साथ हुई लूट, बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की घटना को दिया अंजाम। गोंडा में महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने, इंसाफ के लिए दर दर भटक रही पीड़िता, एसपी से मिलकर पीड़िता ने सुनाई आपबीती। हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर ने मांगे रिश्वत, ऑडियो हुआ वायरल, ठेकेदार से डायरेक्टर ने मांगे 5 लाख रुपए की नई नोटों की गड्डी। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से हर्ष फायरिंग का ऑडियो वीडियो आया सामने, फायरिंग के दौरान कई लोग मौजूद रहे। कानपुर में मकान में बम रखने अचानक हुआ विस्फोट, विस्फोट से घर में लगे शीशे हुए चकनाचूर, पड़ोसी ने पुलिस को दी जानकारी। लखनऊ में कारगिल योद्धा को मिला न्याय, एडीसीपी की कड़ी फटकार के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने दिया प्लॉट। औरैया में चोरों ने फिर दिया चोरी की घटना को अंजाम, पीड़ित गृह स्वामी के अनुसार गहने व नकदी पर क्या हाथ, साफ जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर में मंदिर में आरती करने को लेकर दो समुदाय में विवाद, घटना स्थल पर पुलिस बल किया गया तैनात। अपराधी दुस्साहस करेगा तो अंजाम भुगतेगा, 4 दिन में योगी के बदमाशों को दूसरी बार चेतावनी। लड़ाकू विमानों के पार्ट्स बनाने वाली बीएलएफ सरों के पर एफआईआर 6 के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, इनमें 3 जीएम और 3 डीजीएम रैंक के। तमिलनाडु के 11वें डेलीगेट्स ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन, वर्षगांठ पर 216 शिक्षाविदों ने कॉरिडोर में गाए गीत, बोले सबसे भव्य बाबा। सीतापुर में जिला अस्पताल में महिला से अभद्रता, शराब पीकर बदसलूकी करने का डॉक्टर पर लगाया आरोप। यूपी में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक जारी, हाईकोर्ट ने एक दिन का और मौका दिया। बुलंदशहर विधायकों को विधानसभा की प्राकलन समिति में मिली जगह, 2024 से पहले बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना। हरदोई के स्कूल में अग्निशमन विभाग की पाठशाला, बच्चों को दिए गए आग से बचने के टिप्स, अधिकारियों ने की उपकरणों की जांच। मेरठ में एक तरफा प्यार में हुई छात्र की हत्या, गर्लफ्रेंड से बात करने के शक में दोस्त ने घर से बुलाकर किया दोस्त का कत्ल। रायबरेली में फिर मिला मानव कंकाल, सरीनी के जंगल में ग्रामीणों ने देखे कंकाल, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। शामली में रेप के आरोपी को उम्र कैद, कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया, नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म।
ललितपुर में न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित पिता, बहू और उसके परिवार पर उसके बेटे के आत्महत्या के उकसाने का लगाया आरोप। आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर कार के उड़े परखचे, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, कार का इंजन 200 मीटर दूर गिरा। मुरादाबाद में एसएसपी ने बदल दिए कई थानेदार, तीन से छीनी थानेदारी, राजेश को कटघर, विप्लव शर्मा को कोतवाली की बागडोर। बाराबंकी में चला बाबा का बुलडोजर, गैंगस्टर की 10 करोड़ की कोठी ध्वस्त, सरकारी जमीन पर कराया था निर्माण। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर तेंदुओं को निकाला, बागपत में पिछले 38 घंटे से कुएं में फंसा था तेंदुए का उपचार जारी। अंबेडकर नगर में आमने सामने भिड़े ट्रेलर, केबिन काटकर निकाले गए डिवाइडर ने तोड़ा कोरोना में फर्जी जमीन घोटाले के आरोपी सालिक राम सिंह को कल पुलिस ने भेजा था जेल, इलाज के दौरान हुई आरोपी की मौत। शाहजहांपुर में नगर निकाय में 104 लोगों ने जताई आपत्ति, प्रशासन ने आपत्ति स्वीकार कर योग्य नहीं बताकर कर दी रिजेक्ट। कौशाम्बी में दबंग ने गिराया महिला का घर, पीड़िता बोली बालू निकासी के लिए रास्ता बनाने को किया बेघर, एसपी ने दिए जांच के आदेश। रायबरेली में ढाबे पर दो युवकों की पिटाई, दबंगों ने लोहे की रॉड से जमकर पीटा, पुलिस वीडियो के जरिए कर रही है जांच। सिद्धार्थनगर में एसपी ने किया अपराध समीक्षा, महिला अपराधों के त्वरित निस्तारण के निर्देश, बोले साइबर अपराध रोकथाम को चलाया अभियान। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।